डेरी मिल्क में मिले कीट डे। कुछ ऐसी अफवाह सन 2003 में इंटरनेट पर फैली ये खबर इतनी तेजी से वायरल हुई कि डेरी मिल्क की सेल एकदम खत्म ही हो गई और वो बस मार्केट से बाहर होने ही वाला था। लेकिन तभी उन्होंने अमिताभ बच्चन से अपनी टीवी एड करवानी शुरू कर दी। एड्स के जरिए डेरी मिल्क ने अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दिखाया कि देखो हम डेरी मिल्क कितने साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। अमिताभ बच्चन की एड उनके लिए काम कर गई और लोगों ने फिर से डेरी मिल्क को पहले जैसा प्यार देना शुरू कर दिया। आज एक साल में 355 मिलियन के आसपास चॉकलेट्स खरीदी जाती है। दोस्तों, कैडबरी चॉकलेट आखिर बनती कैसी है वो शायद आप जानते नहीं होंगे। आज दोस्तों हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चॉकलेट बनाने की शुरुआत होती है अफ्रीका से। यहीं के लोगों ने सबसे पहले कोकुआ के बीजों का सही इस्तेमाल पता लगाया। साउथ अफ्रीका को भी इसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है और कैडबरी कंपनी भी यहीं से कोकुआ को इकट्ठा करती है। दोस्तों, कोकुआ के पेड़ों से सबसे पहले इसे थॉड डीएच कर इसके बीज के बीजों को बाहर निकाल लिया जाता है। जब ये फ्रेश रहते हैं तो ये थॉड स्टिकी होते हैं और इसीलिए इन सभी बीज को परमेंटेशन के लिए एक बक्से में रखा जाता है। 8-9 दिन उसमें रखने के बाद बीज को धूप में सुखाने के लिए रखा जाता है। दोस्तों, धूप में रखने से फंगस, बैक्टीरिया और मॉइस्चर गायब हो जाता है और इससे थोड़ा फ्लेवर भी बीच में आ जाता है। दोस्तों, इन्हीं बीज को कैडबरी जैसी कंपनीज खरीद लेती है और फैक्ट्री में लाती है। बीन्स को फैक्ट्री में पहले क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम दोबारा चेक किया जाता है, जिसमें बेस के कलर से लेकर उसका मॉस चक्र तक सब कुछ चेक होता है। इसके बाद दोस्तों, इन बीज कुएं घूमते हुए हीटिंग सिलेंडर में डाला जाता है ताकि बीज का मौसम चक्र 80% तक हो जाए और उसका टेस्ट और भी ज्यादा बार एच जाए और उसमें से मीठी चॉकलेट्स मिलने लग जाए। इसके बाद दोस्तों, इन बीज को ग्राइंड कर लिया जाता है और पंखे की मदद से उसके ऊपर के छिलके को उडढ़ा दिया जाता है। कोको पाउडर वैसे टेस्ट में बहुत कड़ी डीडी हवा होता है और उसके कड़ी डीडी वेपन को दूर करने के लिए उसमें फ्रेश क्रीम, मिल्क और चीनी मिलाई जाती है। दोस्तों, इस मिक्सचर को तब तक मिलाया जाएगा जब तक वो एकदम गाढ़ा लिक्विड ना बन जाए। दोस्तों, इस लिक्विड को फिर से एक वैक्यूम ओवन में डाला जाता है ताकि वो पूरी तरह सूख जाए और दूसरी बार फिर से उसे लिक्विड में बदला जाता है। दो बार लिक्विड इसीलिए बनाया जाता है ताकि उसे जितनी ज्यादा बार प्रोसेसेस करेंगे उतनी ज्यादा वो टेस्टी बनेगी। लिक्विड से पाउडर और पाउडर से लिक्विड, ये प्रोसेसेस 3 बार करने के बाद जिन्स फ्लेवर की चॉकलेट बनानी होती है उसी फ्लेवर को उसमें डाल दिया जाता है। अब यही लिक्विड एक मोड डच में भरा जाता है और वो मोड वाइब्रेट होते हुए फ्रीजर की तरह बढ़ता है। वाइब्रेशन इसीलिए करी जाती है ताकि चॉकलेट में कोई गैस या बबल ना बन जाए। पूरे 40 मिनट उसे फ्रीजर में रखा जाता है जिससे वो चॉकलेट में बदल जाती है। दोस्तों, अभी आपकी चॉकलेट तो तैयार है लेकिन अभी ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगी और इसीलिए अब इस पर एक ग्लॉसी लेयर चढ़ाई जाती है जिससे एक तो वो जल्दी पिघलती नहीं और देखने में भी वो टेस्टी लगने लगती है और चॉकलेट पैकिंग सेक्शन की तरफ जाती है। लेकिन रास्ते में क्वालिटी इंस्पेक्शन वाली मशीन है, डेरा डालकर बैठी रहती है। वो हर एक चॉकलेट का वजन या फिर उसमें किसी भी डिफेक्ट को सेंसर की मदद से पकड़ DDDH लेती है और जो चॉकलेट खराब निकले उसे दोबारा से मशीन की तरफ भेज दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, डेरी मिल्क के टेस्ट को चेक करने के लिए कंपनी ने दुनिया के सबसे मशहूर चॉकलेट टेस्ट को हायर किया है और जब तक वो चॉकलेट के टेस्ट को पास ना करे तब तक चॉकलेट फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।